नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद दिस चैप्टर एनिमल टिश्यूज, जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट मस्कुलर टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग मसल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इन जनरल याद रखो, बायो में जहां भी वर्ड मायो आता है, मायो का मीनिंग इज मसल। जैसे ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, हिमैट का मतलब होता है ब्लड, वैसे ही मायो का मतलब होता है मसल्स। सो आज के इस चैनल योयो बायो में हम बात करेंगे योयो मायो के बारे में, मायो दैट इज मसल। अब बात ऐसी है बेटा कि मसल जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग 40 to 50% of our body weight। हमारे बॉडी का जितना भी वजन है वो 40 to 50% वजन मसल्स की बदौलत है बेटा। नेक्स्ट, दीज मस्कुलर टिश्यू दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा बॉडी बनने से पहले तीन जर्म लेयर्स बनते हैं, बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म और बीच वाला मीजोडर्म, और ये तीन जर्म लेयर्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं, इसलिए इसको जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स बोलते हैं। जिसमें से मस्कुलर टिश्यू जो है ना वो मीजोडर्म से बनता है, याद रखना है। अच्छा, अब बेसिक पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। कॉलम देखिए, तुमको पता ही चल गया होगा कि मसल्स के टोटल तीन अलग अलग टाइप्स है बेटा। ओके, अब इसमें से जो पहला टाइप है ओके, उसको हम बोलेंगे बेटा स्केलेटल मसल। सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल। And third type of muscle is called as पढ़ा तूने बेटा कार्डियक मसल। हार्ट, दिल बनाया है। कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन हार्ट, इट इज हार्ट मसल। एग्जाम में कार, बाइसिकल, साइकिल, मोटरसाइकिल ये सब बनाना बहुत मारूंगा। ओके, राइट, एग्जाम में प्रॉपरली लिखना बेटा। सो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ये तो मजाक में लिखा है सर ने। ओके, एनीवे, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जोक्स अपार्ट बेटा। ओके, अब ये तीनों भी जो मसल्स हैं इसको हम लोग कंपेयर करेंगे बेटा। स्केलेटल मसल का फर्स्ट पॉइंट, स्केलेटल मसल इसके एक एक फाइबर को अगर हम देखें तो इसका एक एक फाइबर कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी यहां फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है कि स्केलेटल मसल में एक एक मसल फाइबर का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, और हर एक फाइबर अपने आप में सिंगल है, उसमें से कोई ब्रांचिंग नहीं निकल रहा है। सो दीज आर सिलेंड्रिकल एंड दीज आर अनब्रांच्ड। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में एक एक फाइबर को देखें तो देखो ऐसा दिखेगा, इस शेप को देख ध्यान से, ये शेप बीच से मोटा है और दोनों एंड से पतला हो जा रहा है, ऐसे शेप को हम बोलेंगे स्पिंडल शेप, इसको हम बोलेंगे फ्यूजी फॉर्म शेप,
और इसको हम बोट शेप भी बोल सकते हैं। किसी बोट को ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, जो बीच से मोटा है और दोनों एंड से पतला है। ओके अच्छा, इसमें से भी कोई ब्रांचिंग नहीं आ रहा है इसीलिए इसको भी हम बोलेंगे अनब्रांच। शॉर्ट में लिखा है अनब्रांच बेटा, वहां फुल फॉर्म में लिखा है, स्पेलिंग वहां से देख लेने का, बार बार स्पेलिंग कॉपी नहीं करेगा। ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में देखो कैसा है ना, कार्डियक मसल में ध्यान से देखा मैडम, इसकी स्पेशलिटी देख, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यानी कार्डियक मसल में भी सिलेंड्रिकल फाइबर्स ही बनाए हैं बट इसमें ब्रांचिंग है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं बेटा। सो दीज आर सिलेंड्रिकल बट दीज आर ब्रांच। ओके ये पहला पॉइंट हो गया, बहुत ही इजी लेक्चर है, मजा आ जाएगा सिर्फ देखते जाएगा। अब नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स पे वापस आते हैं। स्केलेटल मसल्स का न्यूक्लियस है, स्केलेटल मसल्स में हर एक फाइबर में बहुत सारा न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चिपका होता है, कोने कोने में चिपका होगा बेटा। उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ओके अच्छा। अब न्यूक्लियस के टर्म्स में यहां पे क्या सीखा हम लोग ने, कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इसका न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है, द न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, यानी कोने कोने में चिपका है बेटा। अच्छा स्मूथ मसल्स में न्यूक्लियस देखे हम लोग, हर एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस है और एकदम बीचो बीच में है, तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड एंड द न्यूक्लियस इज सेंट्रल इन पोजीशन, एकदम बीचों बीच में मिला। ऑलराइट, अब जितना हमने डायग्राम ड्रॉ किया उसका नेमिंग भी कर लेते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, हर मसल का जो बाउंड्री है, जैसे हर सेल का जो बाउंड्री होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा, उस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, वैसे मसल के जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा बोलेंगे बेटा। सो दिस इज सार्कोलेमा, ओके। सो हर मसल का जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। नेक्स्ट, उसके बाद एकदम सेंटर में जो हमने ड्रॉ किया है येलो कलर का, दैट इज न्यूक्लियस। यहां पे न्यूक्लियस पेरिफेरी में, यहां न्यूक्लियस एकदम बीचों बीच में बेटा, ओके। और यहां पे न्यूक्लियस देखो,
देखते जा बेटा हम। सो जो जो ड्रॉ किया जा रहा है उसका नेमिंग करते हैं बेटा। अब इसके अलावा जैसे एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही अब मसल के अंदर जो बचा कुचा जेली लाइक मटेरियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। तो वैसे इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। अब यहां से एक और बात सीखने लायक है कि सार्को का मतलब भी मसल होता है। जैसे मायो का मतलब मसल होता है, वैसे यहां हम लोग याद रखेंगे that even sarco का meaning is muscle, okay, right? अच्छा, cardiac muscle में जो sarcolemma है, उसका जो boundary है, वो इतना distinct नहीं होता है, इतना clear नहीं होता है। इसीलिए इनमें the problem is cardiac muscle में क्या होता है ना, यहाँ पर ऐसे disc रहता है बेटा। तो यहां पर भी एक डिस्क होगा, तो ऐसे बैंड्स बनाना है तुमको इसमें। ओके, ये जो डिस्क है ना, ये क्या कर रहे हैं, जैसे ये एक सेल है अपने आप, ये पूरा एक सेल हो गया और ये उसका न्यूक्लियस, ये पूरा एक सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस। तो ये डिस्क क्या करता है ना, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़े रखता है और ये बीच बीच में उसका न्यूक्लियस। ओके, अच्छा सर ये डिस्क का नाम क्या है? अच्छा, तो इस डिस्क को बोलने का इंटर कैलेटेड डिस्क। कार्डियक मसल में ये जो बाउंड्री है, माइक्रोस्कोप में ये बाउंड्री इतना क्लियर नहीं होता है। ओके, सो कार्डियक मसल में ना अगर हम लोग ऐसे पकड़े तो ये एक सेल और एक न्यूक्लियस हो, यानी यूनि न्यूक्लियर है। पर अगर बाउंड्री क्लियर नजर आएगा तो तब मैं बोलूंगा ये यूनि न्यूक्लियर, ये भी यूनि न्यूक्लियर, ये भी यूनि न्यूक्लियर, यानी सब में एक एक न्यूक्लियस है। पर अगर ये लाइन और ये बाउंड्री क्लियर नहीं नजर आएगा तो मेरे को पूरा पट्टी दिखेगा और तीन न्यूक्लियस दिखेगा, यानी मल्टी न्यूक्लियेटेड अपीयरेंस नजर आएगा। सो कार्डियक मसल में व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर इज सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट, यानी इसका जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन एकदम क्लियर नहीं है, इसीलिए यूनियन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अपीयर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी ये नजर आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड पर वो एक्चुअली में है यूनि न्यूक्लिएटेड बेटा। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर स्केलेटल मसल्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर हमको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नजर आएगा। तो ये डार्क बैंड है, ओके, और समझो फिर इसी का लाइट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं, ये लाइट बैंड। और इस लाइट और डार्क बैंड को हम बोलते हैं स्ट्राइशंस। जैसे हम लोग स्ट्रिप्स वाला शर्ट और टी शर्ट नहीं पहनते हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स आता है, सो इट्स लाइक डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड। वैसे यहाँ पे डार्क बैंड लाइट बैंड का अपियरेंसेस आता है बेटा, और
इन डार्क और लाइट अपियरेंसेस को हम लोग बोलेंगे स्ट्राइशंस. ओके, सो इसका नेमिंग कर देते हैं बेटा. सो दीज आर नथिंग बट दीज आर स्ट्राइशंस. स्ट्राइशन मतलब अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. स्ट्राइशंस का सिंपल मीनिंग इज स्ट्रिप्स, पट्टी की तरह नजर आता है डार्क और लाइट कलर का बेटा. ओके फाइन. और इसके अलावा फिर और क्या देखने मिलता है इन मसल्स के अंदर? इन मसल्स के अंदर हमको बहुत सारे फाइबर्स नजर आते हैं, मसल के धागे बेटा. ये सारे धागों को हम बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स, जहां मायो का मतलब होगा मसल और फाइब्रिल का मतलब होगा फाइबर्स. तो इसके अंदर पतले पतले धागे होते हैं जिसको हम बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स. इसका नेमिंग कर देते हैं. तो पहला वाला डायग्राम तैयार हो गया. दीज आर मायो फाइब्रिल्स. स्मूथ मसल में कोई लाइट और डार्क बैंड नजर नहीं आता. तो ये पॉइंट यहां साइड बाय साइड लिखते जाते हैं. इसमें स्ट्राइशंस है इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. इसका दूसरा नाम स्ट्राइटेड मसल है. क्यों स्ट्राइटेड मसल बोला? क्योंकि इसके पास स्ट्राइशन है. स्ट्राइशन यानी ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, यानी इसका अपियरेंस कैसा आता है? इट हैज गॉट स्ट्रिप अपियरेंस, स्ट्रिप्स की तरह नजर आता है. इसमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं है इसीलिए इसको अनस्ट्राइटेड या तो फिर इसको नॉन स्ट्राइटेड भी बोल सकते हैं बेटा. ओके, कार्डियक मसल की अगर बात करें तो इसमें लाइट और डार्क बैंड होता है. ओके, इसमें है ना स्ट्राइशंस नजर आता है बेटा. ऐसे इरेगुलरली इस पे zigzag lines बना के रखो बेटा. ओके अच्छा, अब ये जो बनाया है वो अलग है और ये येलो पट्टी है ना वो अलग है बेटा. येलो पट्टी क्या कर रहा है? दो सेल्स को जोड़ रहा है, नेबरिंग सेल्स को जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. और ये जो बनाया ना ये हमने स्ट्रिप्ट अपीयरेंस बनाया ताकि ये ऑल्टरनेटली लाइट और डार्क दिखता है बेटा. तो इसमें स्ट्राइशंस है इसलिए कार्डियक मसल को हम लोग बोलेंगे स्ट्राइटेड मसल. ओके, फिर बचा पूछा इसमें भी फाइबर्स होंगे अंदर विच आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स. तो तुमको भी इस तरीके से ही ये डायग्राम को ड्रॉ करना है और भर लेना है. और इसमें भी फाइबर्स होंगे बेटा. ऐसे लाइट लाइट लाइन करके उसको फिल अप कर लेना बेटा.
थोड़ा टाइम लगेगा पर डायग्राम अच्छा नजर आएगा, और जो एक्चुअल है वो पूरा ड्रॉ करते हैं बेटा, एक भी स्टेप हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, और इसका नेमिंग भी कर लो फिर। तो यहाँ हमने मायोफाइब्रिल्स नेमिंग किया है, यहाँ पर नेमिंग रह गया, तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते बेटा। तो अंदर की तरफ जो धागे की तरह स्ट्रक्चर है वो सब है मायोफाइब्रिल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सबके ना तीन पॉइंट हो चुके बेटा, फोर्थ पॉइंट ये सिखाता है कि स्केलेटल मसल जो है ना, इसका नाम स्केलेटल मसल क्यों रखा है, क्योंकि ये स्केलेटन को जुड़ा होता है। सो दे आर अटैच टू बोन्स। सो ये बॉडी में कहां मिलेगा, जहां जहां पर हड्डियां है ना वहां पे मिलेगा। स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम है विसरल मसल्स। विसरल का मतलब होता है इंटरनल। सो दीज आर प्रेजेंट इन अवर इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होता है। सर इंटरनल ऑर्गन्स में कहां कहां पर होगा, तो ये होगा हमारे ब्लड वेसल में, ये होगा हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और ये होगा हमारे जनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में बेटा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जनाइटो यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो रिप्रोडक्टिव की जितनी भी ट्यूब्स है वो। यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनी के बाद जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। सो यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो सारे ट्यूब्स हैं, ओके, जो पाइप्स हैं, वो सारे पाइप्स इस तरह के मसल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज हार्ट मसल्स। इनका हाईफाई नाम है मायोकार्डियम। So they are also called as myocardium. And they are also called as red muscles. ये याद रखना। Next, skeletal muscle जो है ना, skeletal muscle is voluntary muscle. Smooth muscle is involuntary, and cardiac muscle is also involuntary. अब बेटा यहां पे voluntary का मतलब क्या होता है, वो movement जो हमारे मर्जी से होता है। Involuntary का मतलब क्या होता है, वो movement जो खुद ब खुद होता है, हमारे control में नहीं होता है, हमारे मर्जी में नहीं होता है, हमारे बस में नहीं है। सो ये मूवमेंट हमारे बस में नहीं है, हमारे ट्रक में नहीं है, हमारे रिक्शा में नहीं है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे याद रखो। ओके, अब ये कैसे हुआ, वॉलंटरी मूवमेंट। जैसे मुझे अगर मेरा शोल्डर हिलाना है, सो आई कैन मूव माय शोल्डर एंड कैन मूव वन शोल्डर, टू शोल्डर, कैन डांस लाइक माइकल जैक्सन, राइट? ओके, सो ये सब वॉलंटरी मूवमेंट है। आई कैन मूव माई बॉडी पार्ट्स। सो ये सब मैं जैसे चाहूं वैसे उसको मूव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे हड्डियों पे जो मसल्स चिपके हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में है, वो वॉलेंट्री है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। अब इनवॉलेंट्री, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अब खाना खाने के बाद जैसे ही मैंने खाने को स्वॉलो कर लिया, तो खाना किधर जा रहा है, मेरे पेट में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, इंटेस्टाइन्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, हार्ट मसल्स आर इनवॉलेंट्री। अब हार्ट का जो बीटिंग होता है, हार्ट बीट्स, समझो हमने हमारे फ्रेंड का हार्ट निकाला, सर फ्रेंड का क्या होगा, उसको स्टैच्यू बोल देंगे। अब ये जो हार्ट का मूवमेंट हो रहा है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तुम अपने हार्ट को स्टॉप कर सकते हो क्या? तुम अपने हार्ट को बोल सकते हो आज संडे है तू छुट्टी ले ले? नहीं, अपना ही छुट्टी हो जाएगा। ओके, सो ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री बेटा। ये समझा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इसको हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो ये दोनों मसल्स दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा है ना, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खुद ब खुद काम कर रहा है और हमको इसका एहसास नहीं होता है। जैसे अब तू मेरा लेक्चर सुन रहा है, तेरे पेट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, पर तेरे को इस बात का एहसास नहीं है। अपना हार्ट चेस्ट के अंदर अपने आप बीट कर रहा है, पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमको इस बात का ज्यादा एहसास नहीं होता है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है बेटा, हमारी मर्जी नहीं चलती है इसका। ये समझा? और वही जगह पे मेरे को अगर हाथ उठाना है, शोल्डर उठाना है, घूम जाना है, चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, कूदना है, ये सारे जो मसल्स जो बोन्स से जुड़े हैं, ये सब वॉलेंट्री है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। आगे, स्मूथ मसल का एक धागा निकालते हैं बाहर, मायोफाइबर। इस मायोफाइब्रिल के अंदर दो तरह के इलास्टिक प्रोटीन होते हैं, जिसका नाम है मायोसिन और एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन ना इलास्टिक प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो हमारे मसल्स के अंदर होते हैं। और स्मूथ मसल्स के मायोफाइब्रिल में मायोसिन कम होता है और एक्टिन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर वन, ऑटो रिदमिसिटी। वर्ड को तोड़ ले, ऑटो रिदमिसिटी, एकदम ज्यादा मत तोड़ना। ऑटो सर, ऑटो यानी ऑटो रिक्शा, रिदम और सिटी, शहर में ऑटो रिक्शा एक रिदम में चलाने का, नहीं नहीं नहीं, ये बायो का मर्डर हो जाएगा, इसका मीनिंग अलग है। ऑटो मतलब सेल्फ यानी खुद, और रिदम सिटी यानी उसका एक पैटर्न होता है, यानी हार्ट अपना रिदम खुद बनाता है। नॉर्मली कैसा होता है ना, हर मसल मस्कुलर सिस्टम जो है ना, वो नर्वस सिस्टम का गुलाम होता है। जब तक नर्वस सिस्टम से कोई ना कोई नस मैसेज ना भेजे मसल को, तब तक मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये कैसा हो गया, मसल्स ना पंखे की तरह है, फैन, और नर्वस सिस्टम कैसा है ना, वायर की तरह। जब तक वायर से बिजली आएगी नहीं, तब तक पंखा खुद ब खुद घूमेगा नहीं। अब जैसे समझो मेरा हाथ, अब मुझे हाथ उठाना है, तो मसल खुद ब खुद हाथ नहीं उठा के देगा, जब तक दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड का कोई ना कोई नर्व, कोई ना कोई न्यूरॉन आके उसको स्टिम्युलेट ना करे। सो हर मसल नर्व का, नर्वस सिस्टम का गुलाम होता है। वो तभी काम करता है जब नर्वस सिस्टम उसको आदेश देता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो। बट हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स बहुत स्पेशल है, हार्ट बहुत स्पेशल है। हार्ट का मसल ना खुद ब खुद काम करता है। हार्ट का मसल किसी ब्रेन के संदेश पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि वो अपना रिदम खुद बनाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। हार्ट के मसल को जब नर्वस सिस्टम, जब ब्रेन का कोई नस आके संदेश देता है भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, हार्ट बोलता है भाई मैं अपने हिसाब से काम करेगा। तो बोलता है मैं मैसेज लाया हूं ब्रेन से, ब्रेन इज द बॉस। तो हार्ट बोलता है बॉस ना अपने घर में,
अपने स्कल में, अपने क्रेनियल कैविटी में, बट ये थोरैसिक कैविटी है, ये चेस्ट है, ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का सिंगम हूं। यानी हार्ट अपने दम पे काम करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। याद रखना, यानी हार्ट अपना रिदम खुद बनाता है। हार्ट अकेला ऐसा मसल है, यानी अकेला ही ऐसा पंखा है जो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर रहा है। ओके, अपना संदेश खुद उत्पन्न कर रहा है, खुद ही को उकसाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और मूव करता है बेटा, ये याद रखना। अब ऐसा जो हार्ट होता है जो अपना रिदम खुद बनाता है, ऐसे हार्ट को हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। लोअर ऑर्गेनिजम्स में हार्ट अलग किस्म का होता है जो ब्रेन पर डिपेंडेंट होता है बेटा, वैसे हार्ट को हम बोलेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट तुमको आर्थ्रोपोडा में देखने मिलेगा। सो हम है इंसान, हमारा हार्ट है मायोजेनिक, हम ऊंचे प्राणी है, वेल डेवलप्ड है। आर्थ्रोपोडा लोअर प्राणी, तुच्छ प्राणी, लेस डेवलप्ड। आर्थ्रोपोडा का हार्ट न्यूरोजेनिक है, यानी उसमें कैसे रहता है ना, उसका हार्ट तब तक काम नहीं करेगा जब तक ब्रेन से कोई संदेश नहीं आता। सो ब्रेन से मैसेज आएगा, हार्ट को बोलेगा चल कॉन्ट्रैक्ट हो, तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता रिलैक्स होता। फिर मैसेज आएगा ब्रेन से, तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता रिलैक्स होता। फिर मैसेज आएगा ब्रेन से, कॉन्ट्रैक्ट होता रिलैक्स होता। बट हमारा हार्ट ऐसा नहीं है, ब्रेन पर निर्भर नहीं है, वो अपना रिदम खुद बनाता है। इंसान का हार्ट मायोजेनिक है, मायो मीन्स मसल, जेनिक मीन्स टू जेनरेट। So, यहां मसल अपने आप को उत्तेजित करने वाला संदेश खुद बनाता है। बाकी लोअर ऑर्गेनिज्म का हार्ट न्यूरोजेनिक, यानी इसका इंपल्स, इसका मैसेज जेनरेट कौन कर रहा है, न्यूरॉन कर रहा है। इसीलिए सोचो हम इंसानों में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी मुमकिन है। अगर मैं एक पेशेंट के शरीर से हार्ट निकालता हूं, सो हार्ट को जैसे ही बाहर निकाला, वो हार्ट मरेगा नहीं, उसको बराबर ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देंगे, एक बॉक्स में रख देंगे बेटा, और वो हार्ट उस बॉक्स में भी बीट करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना मैसेज खुद बना रहा है, वो मायोजेनिक है। सोचो अगर हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक होता, तो जैसे ही पेशेंट के बॉडी से मैंने हार्ट निकाला, उसका ब्रेन के साथ सप्लाई कट ऑफ कर दिया, ये हार्ट मर जाता और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी मुमकिन ही नहीं हो पाता। ये देखो आज के लेक्चर में सीखो क्यों हम बायोलॉजी को बोलते हैं बायोलॉजी, क्यों ये चैनल है योयो बायो। जाके सभी बायो प्रेमी बच्चों को बताओ कि बायो बायो नहीं, बायो इज योयो बायो, जहां हम ये सीखते हैं इंसान का हार्ट मायोजेनिक है, और क्योंकि वो मायोजेनिक है इसलिए वो अपना रिदम खुद बनाता है, और क्योंकि वो अपना रिदम खुद बनाता है वो ब्रेन पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उसका सप्लाई ब्रेन से कट ऑफ करने के बाद उसको काट के भी अगर बाहर निकाला, सो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में किसी और को वो दिया जा सकता है। फिर तुम बोलो हीरो के अंदाज में, हम तुमको दिल दे बैठे, दैट इज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, याद रखो। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्डियक मसल का, नॉन फटीगेबिलिटी। नॉन फटीगेबिलिटी में फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस। हार्ट का मसल कभी भी थकता नहीं है, इट नेवर गेट्स टायर्ड। बचपन से लेके अब तक जब से हमारा हार्ट बना है तब से वो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वो बीट कर रहा है। देखो हर मसल्स थक जाते हैं, स्केलेटल मसल्स। तुम्हारा टीचर तुमको पनिशमेंट दिया, तुम होमवर्क करके नहीं आया, टीचर बोला जाओ बाहर खड़े हो जाओ हाथ उठा लो, तुम मस्त में हाथ उठा लिया, तुम बोल रहे ये तो नॉर्मल पनिशमेंट है, अभी टीचर 5 मिनट में माफ कर देगा मुझे, पर आधा घंटा हो गया टीचर ने माफ नहीं किया, तुम हाथ उठा के रखा है, अब तुम्हारा हाथ दुखने लगा। सो जैसे ही टीचर तुमको देखता है तुम हाथ उठा के रखा है, जैसे ही टीचर पलट जाता है तुम पोज मारता है, हाथ नीचे कर लेता है, टीचर देखता है फिर हाथ ऊपर कर लेता है। क्यों? अब तेरा हाथ दुख रहा है ना, क्योंकि स्केलेटल मसल जो है ये मसल्स थक जाते हैं,
और ये मसल्स थक क्यों जाते हैं? तो स्केलेटल मसल्स विल गेट टायर्ड, थक जाने को हम लोग फटीग बोलते हैं, और जब भी स्केलेटल मसल थक जाता है ना, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, ये याद रखने का। तो इससे क्या सीख रहे हो कि नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आने का, टीचर पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, और अगर टीचर ने पनिशमेंट दिया हाथ उठाओ और तुम्हारा हाथ थक गया, तुमने हाथ नीचे किया और टीचर आके डांट दिया तुमको, ए हाथ नीचे क्यों किया, सो एक्सप्लेन सर व्हाट इज हैपनिंग इज लैक्टिक एसिड हैज एक्युमुलेटेड इन माय मसल्स, बिकॉज सर दीज मसल्स आर स्केलेटल मसल्स, दीज आर सिलिंड्रिकल मसल्स विद मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विद द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एंड दीज मसल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्युमुलेटिंग लैक्टिक एसिड सो दैट दीज मसल्स विल गेट टायर्ड, दैट इज फटीग। टीचर उधर ही 180 हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, बोलेगा भाई तू अंदर बैठ, अगली बार से होमवर्क करके आना, ये समझा बेटा। उसी तरह से जब हम पिक्चर देखते हैं, हिंदी पिक्चर में शाहरुख खान जब वो कहता है हम आपको दिल दे बैठे, सो बोलेगा यस दिस इज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक वेयर द मसल विल जेनरेट इट्स ओन रिदम, and this property of cardiac muscle is called as autorhythmicity, and it is because of this property that heart transplantation surgery is possible. In lower organisms they have neurogenic heart, and the example is arthropoda where the heart is controlled by the nervous impulses from the nervous system. That is the reason why neurogenic heart, if it is taken outside the body, the heart will not survive. और इसीलिए तुम बोल सकते हो कि हम तुमको दिल दे रहे हैं, ये समझे। ज्यादा पिक्चर और टीवी मत देखा किया करो, पढ़ाई किया करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट लिया बेटा, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। अब ये तीनों मसल में से हम लोग स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो समझो फॉर एग्जांपल बेटा, तुमने तुम्हारे दोस्त के बॉडी से एक स्केलेटल मसल निकाला, समझो उसका बाइसेप्स, वो तुमको बाइसेप्स निकाला, अरे मेरा बॉडी देख, ओके, और तुमने उसका बाइसेप्स निकाल दिया। अब ये उसका स्केलेटल मसल, और कैसा है ना, निकालने से पहले परमिशन ले लेने का, दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा, तो उसको देना तो पड़ेगा, और अपना शरीर खराब नहीं करने का क्योंकि हमको पढ़ाई करना है, ओके। अब ये उसका मसल, अब ये जो स्केलेटल मसल है इसको काट दो, तुम अपने दोस्त के मसल को काट दो, काट दो उसके सामने ही काट दो। तुम बोले अरे मेरे मसल को क्यों काट रहा है, उसको बोल कि मैं तेरे मसल को 1-2 कर रहा, ठीक है। अब ये मसल कट गया दो पार्ट में बेटा। अब होता ये है कि ये मसल के अंदर धागे हैं जिसको मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट बोलते हैं। अब तू देखते जा बेटा, ये जो कट सरफेस है ना, ये वाला और ये वाला, इस कट सरफेस को हम लोग जूम करके यहां ड्रॉ कर, यानी एक मसल निकाला, मसल को कट किया, दो टुकड़े हो गए, सो या तो ये वाला कट सरफेस या तो ये वाला कट सरफेस, उसको घुमा देता हूं, सो आगे से वो कैसा दिखेगा वो मैं तुझे दिखा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द कट सरफेस बेटा। अब बात ये है कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पतले पतले मायोफाइब्रिल्स होंगे, 5 मायोफाइब्रिल है कट सरफेस में, यहां दिखा रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो मसल का बंडल है, ओके, इस बंडल को हम लोग बोलेंगे
फैसिकुला है और फैसिकल्स भी बोल सकते हैं बेटा। अब कहानी ध्यान से सुनते जा, इस कहानी में पहले मैं तुझे एक शॉर्टकट दे देता हूं। शॉर्टकट है एपी, ई पी ई, एपी। अब बात यह है कि ये मसल का जो पूरा बाउंड्री है ये एकदम बाहर वाला, इसको हम बोलेंगे एपिमाइसियम। ओके, और ये जो एपिमाइसियम है इसी का दूसरा नाम है फेशिया, और ये कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। मेरी बात ध्यान से सुन ले जा, ठीक है? तो बात क्या पता है, पूरा जो मसल है उसके अंदर ये छोटे छोटे मसल्स के बंडल्स है बेटा। अब समझो वैसे ही एक दो तीन चार पांच, और पांच है, एक दो तीन चार पांच। अब ये एक बंडल हो गया अंदर, फिर वैसे ही एक दो तीन चार पांच, ये एक और बंडल हो गया बेटा। ओके, एक दो तीन चार पांच, ऐसे नंबर पांच नहीं रहेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ऐसे मसल्स के बंडल्स होते हैं बेटा। ओके, अब ये जो बाहर वाला कवरिंग है इसको बोलते हैं एपिमाइसियम। अंदर ये जो एक एक धागा है मसल का, एक एक धागे को हम लोग बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुना, सो मसल को काटने के बाद ये उसका कट सरफेस है, ओके, उसके अंदर जो एक एक धागा है दैट इज मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट्स। ये धागों का जो झुंड है उसको बोलते हैं बंडल्स और फैसिकुला और फैसिकल, और ये जो झुंड को जो मेम्ब्रेन सराउंड कर रहा है उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे पेरिमाइसियम। सो ये जो है ये पेरिमाइसियम, ये सर्कल्स, ये सब पेरिमाइसियम। और फिर ये जो एक एक धागे का जो बाउंड्री है उसको हम बोल सकते हैं एंडोमाइसियम। अब मैं पहले ट्रिक है ना क्लियर कर देता हूं। एपी में ई मतलब एकदम बाहर वाला एपीमाइसियम, फिर पी मतलब पेरिमाइसियम यानी ये वाले बाउंड्री, फिर लास्ट में ई मतलब एंडोमाइसियम यानी हर एक फाइबर का जो बाउंड्री है वो। ये इमेजिन करो, अवस्थी सर बायोलॉजी प्रोफेसर नहीं है, अवस्थी सर झाड़ू बेच रहा है और ये सब झाड़ू का बंडल मैं सिर पे रख के घूम रहा है। सर झाड़ू क्यों बेच रहा है आप? हाँ, कॉन्सेप्ट को साफ करना है ना, तो झाड़ू का एग्जाम्पल बेस्ट है। अब सुन, अब ये कैसा हो गया ना, ये देख, ये एक झाड़ू है, ये दूसरा, ये तीसरा झाड़ू, ये चौथा, चार झाड़ू लेकर घूम रहा। अब ये चारों भी झाड़ू को मैंने एक रस्सी से बांध रखा है, ये वाली रस्सी, वाइट वाली। इस रस्सी को मैं बोलूंगा एपिमाइसियम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेशिया एंड इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। ये रस्सी कोलेजन मटेरियल की बनी है। अब इस रस्सी के अंदर क्या है, चार झाड़ू, ओके, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हर एक झाड़ू का जो धागा है उसको मैं बोलूंगा पेरिमाइसियम, और उस धागे के अंदर ये जो सर्कल है ये झाड़ू का कांडी है बेटा। ओके, राइट, हर एक झाड़ू के कांडी को मैं बोलूंगा मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट, और कांडी का जो बाउंड्री है उसको मैं बोलूंगा एंडोमाइसियम। ये समझा? और ये जो झाड़ू की कांडी का जो बंडल्स है, समझो पांच झाड़ू का कांडी है, उस बंडल्स को मैं बोलूंगा फैसिकल्स। सो एक बार वापस से आ रहा हूं, अब मैं इंडिविजुअल से चालू करता हूं। हर एक झाड़ू का जो कांडी है दैट इज लाइक मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट, उसका जो बाउंड्री है दैट इज एंडोमाइसियम।
और ये झाड़ू के कांडी का जो बंडल्स है, जो ग्रुप है, उसको मैं बोलूंगा फैसिकुलस और फैसिकल्स और बंडल्स। और इसको जिस रस्सी से बांध रखा है मैंने, दैट इज कॉल्ड एज पेरिमाइसियम। और ऐसे बहुत सारे झाड़ू का जो पेरिमाइसियम है उसको जिस रस्सी से बांध रखा है मैंने, दैट इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक मायोफाइबर निकालते बाद और उसको जूम करते, उसको देखते माइक्रोस्कोप में। So, अब इस स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर अगर हम लोग जूम करके देखें तो हमको इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नजर आएगा। तो ये वाला लाइट बैंड है, ये वाला डार्क बैंड है, फिर ये वाला लाइट बैंड है। लाइट बैंड का दूसरा नाम है आई बैंड, और डार्क बैंड का दूसरा नाम है ए बैंड। इजी, लाइट वर्ड में दूसरा अल्फाबेट क्या है? आई। डार्क में दूसरा अल्फाबेट क्या है? ए। तो ए बैंड। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आई और ए का फुल फॉर्म क्या है? आई इज आइसोट्रोपिक, एंड ए इज एन आइसोट्रोपिक। बात सुन ध्यान से। सो आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक, यानी जब इस पट्टी को मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूं, सो आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब इसमें से लाइट आर पार चली जाती है, और एन आइसोट्रोपिक को डार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती। दैट्स व्हाई लाइट बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज आई बैंड, दैट इज आइसोट्रोपिक, एंड डार्क बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ए बैंड, दैट इज एन आइसोट्रोपिक। ये कैसा हो गया ना कि मान के चलो ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, ये स्ट्राइटेड अपियरेंस है, ये स्ट्रिप्ट अपियरेंस है। यानी ये कांच का टुकड़ा है, ये लकड़े का टुकड़ा है, ये कांच का टुकड़ा, लकड़े का टुकड़ा। तो इसकी वजह से लाइट और डार्क अपीयरेंसेस आता है मसल का, इसीलिए स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इस लाइट बैंड के बीच में एक डार्क लाइन है, इस लाइट बैंड के बीच में भी एक डार्क लाइन है। सो हर लाइट बैंड के बीच में एक डार्क लाइन होती है बेटा, उसको बोलते हैं जेड लाइन। या यू टॉक दिस इज अ टू राइट इवन नेगेटिव सेंटर टू हां या जेड का फुल फॉर्म इज ज्विस चेन शिवे। So this is called as Zwischen Schiebe. पूरा lips का exercise हो जाता है। Zwischen Schiebe. Okay? So ये याद रखो, मस्त word है। Zwischen Schiebe. Okay? अच्छा, अब बात ये है बेटा कि दो Z line के बीच में जो distance है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो distance है, इसको बोलते हैं sarcomere. So ये Z line से लेकर इस वाले Z line तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे सार्कोमी। इसका डेफिनेशन यहां लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव जेड लाइन is called sarcomere. Okay? अच्छा, two consecutive, यानी ये z line आया, उसके तुरंत बाद जो z line आता है वो, अब देखो ना बेटा, ये ही चीज को extend करो। So
सो जैसे ये लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर और एक डार्क बैंड आएगा, फिर और एक लाइट बैंड आएगा, और उस लाइट बैंड में भी जेड लाइन होगा. सो वो जेड लाइन से लेके ये जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को मैं सार्कोमियर नहीं बोलूंगा. सार्कोमियर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइन, यानी एक के बाद एक तुरंत आने वाले जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट, इस सार्कोमियर में अगर हम लोग हिसाब लगाए तो सार्कोमियर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? लाइट बैंड का आधा, डार्क बैंड पूरा आ रहा है और लाइट बैंड आधा आ रहा है. सो सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई बैंड प्लस वन कंप्लीट ए बैंड प्लस वन हाफ ऑफ अनदर आई बैंड. अब जब एमसीक्यू आता है ना, तो एमसीक्यू में यही याद रखना कि आधा लाइट बैंड, पूरा डार्क बैंड और आधा लाइट बैंड. अब ये आधा और आधा को जोड़ के एक मत मानना, क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा. सार्कोमियर मतलब एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस नहीं. जैसे ये पूरा एक लाइट बैंड हो गया और ये डार्क बैंड हो गया, तो यहां से लेके यहां तक सार्कोमियर नहीं है. ओके, इसलिए स्पेसिफिकली जाने का आधा लाइट बैंड, पूरा डार्क बैंड और आधा लाइट बैंड, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सार्कोमियर. नेक्स्ट, दिस सार्कोमियर इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल में यही सार्कोमियर बार बार रिपीट होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है बेटा. ओके, आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट. लाइट बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज आई बैंड, डार्क बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ए बैंड. नेक्स्ट, अब जैसे लाइट बैंड के बीच में ये डार्क लाइन है, वैसे डार्क बैंड के बीच में भी एक लाइट जोन होता है. अब ये जो लाइट जोन है, इसको बोलते हैं एच जोन. फुल फॉर्म यहां लिख देते हैं. एच जोन स्टैंड्स फॉर हेंसन्स जोन. ओके, और हेंसन्स जोन वो है, इट इज दैट जोन, और यू कैन से इट इज दैट एरिया विच इज नॉट ओवरलैप by thin filaments, that is not overlapped by thin filaments. अब ये thin filaments क्या होता है? Let's see. हर muscle में ना दो तरह के contractile proteins होते हैं. Contractile proteins यानी elastic proteins. जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक इलास्टिक समझो बैंड है, तो वो बैंड दो तरह के इलास्टिक मटेरियल का बना है. समझो रबर का बना है या तो समझो प्लास्टिक का बना है, फॉर एग्जाम्पल ना बेटा. उसी तरह से मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ये दो तरह के इलास्टिक प्रोटीन्स के बने होते हैं. ओके, और ये प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन. इसमें से हमेशा याद रखो, एक्टिन जो है ना, एक्टिन इज थिन फिलामेंट, पतला होता है बेटा. इसका डिटेलिंग मैं एडवांस लेक्चर में करवाऊंगा. और मायोसिन इज थिक फिलामेंट. सर मैं भूल जाऊंगा ये, तो ऐसे याद रखना. म से मायोसिन, म से मोटा. सो मायोसिन मोटा है, मायोसिन इज थिक फिलामेंट. ओके, एंड एक्टिन इज थिन फिलामेंट. दूसरी बात, ये एच जोन के बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं एम लाइन, दैट इज मसल लाइन. ओके, अब कहानी घूम के इधर आती है. लाइट बैंड के बीच में जो डार्क लाइन है उसको जेड लाइन बोलते हैं, डार्क बैंड के बीच में जो लाइट जोन है उसको एच जोन और हेंसन्स जोन बोलते हैं बेटा. और हेंसन्स जोन के बीच में जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज एम लाइन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, एक्टिन तुमको ज्यादा से ज्यादा आई बैंड में मिलेगा.
आई बैंड यानी कौन सा बैंड? लाइट बैंड। और मायोसिन तुमको ज्यादा से ज्यादा ए बैंड में मिलेगा। ए बैंड यानी कौन सा बैंड? पढ़ना बेटा, डार्क बैंड। देखो मैं जानबूझ के ना ये अल्फाबेट बड़ा लिखा है, ये देख लाइट वर्ड में आई बड़ा लिखा है, यानी लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई बैंड, दैट इज आइसोट्रोपिक। डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड, दैट इज एन आइसोट्रोपिक। ओके, और लाइट बैंड में ऐसा याद रखो, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, लाइट यानी हल्का और एक्टिन थिन है ना, हल्का है, वैसे याद रखना। म से मायोसिन, म से मोटा। ओके, सो दैट इज फाउंड इन ए बैंड, दैट इज डार्क बैंड। नेक्स्ट, हर मसल, ओके, खास करके ये स्केलेटल मसल जो है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिंसिटियम। स्केलेटल मसल इज सिंसिटियम। सिंसिटियम मतलब इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल इज सिंसिटियम। नेक्स्ट, फिर हर मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इसके अंदर कैल्शियम बहुत सारा भरा पड़ा रहता है बेटा। ओके, चलो आखिरी पॉइंट, स्केलेटल मसल्स के दो टाइप है, इसमें एक होता है रेड मसल्स और एक होता है व्हाइट मसल्स। रेड मसल का नाम रेड क्यों रखा है, जैसे हमारा ब्लड रेड कलर का है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है, वैसे रेड मसल में मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन ज्यादा है बेटा। तो इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है और इसमें मायोग्लोबिन कम है। सर ये मायोग्लोबिन क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन जैसा ही है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। वैसे मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, पर मायो मतलब मसल, ये खास करके ऑक्सीजन किसको पहुंचा के देगा? मसल्स को पहुंचा के देगा। तो यहां ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच का डिफरेंस, ओके, तो ये हम लोग डिफरेंस बिटवीन डिस्कस कर रहे हैं, रेड मसल्स वर्सेस व्हाइट मसल एंड हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में सबसे पहली बात ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन इज ए टेट्रामेरिक प्रोटीन और मायोग्लोबिन इज मोनोमेरिक प्रोटीन। टेट्रा मीन्स चार, सो इसमें क्या रहता है ना, टोटल हीमोग्लोबिन में एक हीम मॉलिक्यूल, एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है और चार पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ओके, मायोग्लोबिन में कैसा है ना, मायोग्लोबिन में एक हीम का मॉलिक्यूल होता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ओके, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन कैरीज फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को उठा सकता है। मायोग्लोबिन कैन कैरी ओनली वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देगा बॉडी के हर हिस्से को और मसल्स को भी ऑक्सीजन देगा, बट मायोग्लोबिन ऑक्सीजन देगा सिर्फ और सिर्फ मसल्स को। यानी मसल्स के तो मसल्स की चांदी है, उसको ऑक्सीजन लाके देने के लिए हीमोग्लोबिन भी और मायोग्लोबिन भी है, जिसमें से मायोग्लोबिन खास उसका आदमी है जो बॉडी से ऑक्सीजन बटोर के मसल्स को देता है। ओके, नेक्स्ट, अब रेड मसल और व्हाइट मसल में दूसरा पॉइंट ये याद रखो, इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है तो इसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा
अब वो ऑक्सीजन को खर्चा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता रहता है। ओके, और वो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, यहां पर कैसा है कि इसको इतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन कम है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया कम रहता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के बदले इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। ओके, और इसमें एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एनेरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? All right, बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर मसल्स से रिलेटेड, जहां हमने मसल्स के तीन टाइप पढ़े, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। फिर उसके बाद हमने स्केलेटल मसल को कट किया, उसके पूरे के पूरे कट सेक्शन को देखा, उसमें से एक फाइबर निकाल के उसका पूरा डिटेलिंग देखा बेटा। अब इसका आगे का और एडवांस लेक्चर हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये जो मसल अपने दोस्त के बॉडी से निकालना है उसको वापस दे देने का, किसी का उधारी रखने का नहीं। ओके, टिल देन ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है इसका नोट्स बनाओ, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, टेक्स्ट बुक रीड करो और मजा करो, और लोगों को बताओ बायो बायो नहीं है, इट इज यो यो बायो। सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। नमस्ते।